बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस दौरान उनकी जिंदगी में कई बदलाव देखे गए। इसी साल की शुरुआत में जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने अपनी माँ से जुड़ी एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंचे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन ने बताया था कि जया बच्चन क्लॉस्ट्रोफोबिक नाम की बीमारी से लड़ रही हैं। गौरतलब है कि जया बच्चन अपने परिवार के साथ अक्सर नजर आती रहती हैं, लेकिन कैमरे में पोज देने से ज्यादातर कतराती हुई नजर आती हैं। जया बच्चन के इस तरह के बर्ताव के कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें ये साफ दिखाई देता है। यहाँ तक कि जया बच्चन कई बार मीडिया पर भड़क भी चुकी हैं। जया बच्चन की इस तरह के बर्ताव के बारे में जब करण जौहर ने श्वेता और अभिषेक से पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। दोनों ने बताया कि जया बच्चन को क्लॉस्ट्रोफोबिक है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। ऐसा बाजार, भीड़ वाले वाहन या फिर लिफ्ट में भी महसूस हो सकता है। इसके साथ ही श्वेता ने कहा था कि जया बच्चन को भीड़ देखकर परेशानी होती है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई धक्का दे या फिर टच करे। इसके अलावा कैमरे का फ्लैश आंखों में पड़ने से भी उन्हें दिक्कत होती है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।